इसलिए दोस्तों समझ जाओ सुन्नियत पे हमला हो रहा है। ना लीडरों को नहीं जाओ, ना गीदड़ों को नहीं जाओ, ना उलमा के पास जाओ, ना गहना ये आजकल के हर एक बात नहीं करो मैं, ना ये मजाकिन के पास जाओ, तब्दीलियों के पास जाओ, तो बैरून की दरगाह पे जाओ, बैरून की किताबें पढ़ो, अदीर पढ़ो, तफसीर खाजी पढ़ो, उसमें पता चलता है कि कितने सिखों को जवाब दिया मेरे आका बैरून सरकार ने। आपको मालूम है पढ़े लिखे कितने दिन है, इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं हम आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि मानते हैं, हम हुजूर इमाम अहले सुन्नत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैहि मानते हैं, हम हजरत बैरून अल्लाह अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैहि को भी मानते हैं, हम मौलवी सैयद हसन अब्दुल्लाह का साहब खुदा रहमतुल्लाह अलैहि को भी मानते हैं। इनके जो अकीदे हैं इनको बनेंगे और आगे चले तो शाह अब्दुल मौलवी सैयद देल को मानते हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ्रीसानी को भी मानते हैं, हम इनको मानते हैं, यही हमारे हैं और यही हिंदुस्तान में सुन्नियत को फैलाने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हजरात सुन्नी रहिए। जब ख्वाजा के वहाँ आए तो मैं ख्वाजा की बात करा हूँ, ख्वाजा के अकीदे बता दियो आपको, ख्वाजा का मसला बता दियो, ख्वाजा का मशरब बता दियो, ख्वाजा के तरीके बता दियो, ख्वाजा की सुन्नतें बता दी हैं। आप सच्चे जब ख्वाजा के मानने वाले हैं तो ख्वाजा के रास्ते पर आ जाएंगे, आने के नहीं आएंगे, करिए कि नहीं करेंगे, बस अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को सलामत रखे और हिम्मत और ताकत अता फरमाए। मैं जनाब शंकर बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमेशा जलसा रखकर लोगों को सुन्नियत की दावत देते हैं। अल्लाह मौलाना वासे साहब की खबर बढ़ने को यकीन आनंद फरमाए, मौलाना वासे साहब को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी बख्शीश फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना मुहम्मद वाला आलिहि व सहाबते अजमईन।